इसको यहां रखता हो तो ये ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी किधर लग रहा होगा? नीचे या इनसाइड द प्लेन? इनसाइड, क्योंकि ये ऐसे रखा है, क्लियर है कि नहीं? डिस्क ऐसे है, हम बना ऐसे थे, मतलब इस स्मार्ट बोर्ड को इसे उठा के हॉरिजॉन्टल कर दो, उस टाइप का कहानी है। तो एमजी नीचे नहीं लग रहा है, लग तो नीचे रहा, लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग किधर लग रहा है? इनसाइड द एमजी इज एक्टिंग विद इन द प्लेन। पहली बात तो यही लिख देते इस केस में, कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ रोटेटिंग डिस्क हैविंग एंगुलर वेलोसिटी कितने का बच्चों? हैविंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब समझना ध्यान से, ये कंसीडर करेंगे कि एक मास, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, एम है, उसको किधर रखा गया? ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन द डिस्क। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड ऑन किधर? डिस्क। डिस्क पे मास रखा गया है, तो अगर डिस्क पे ये जो मास है, प्रोसेस बनाते हैं मास, जिसका ऑब्जेक्ट का मास क्या है? एम है। एमजी किधर लग रहा होगा? नीचे लग रहा हो या इनसाइड का? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग acting within the या inside the plane। तो बताओ ये जो मास है इस डिस्क को एक्शन कितने का देगा? mg। कितने का? mg। तो एक्शन फोर्स अप्लाइड by mass to disk कितने का होगा? equal to mg। तो reaction force भी कितने का? mg। reaction force applied to the mass by कौन? disk। एन इक्वल टू क्या आएगा? जितने का एक्शन उतने का, ये इस डायग्राम में बना नहीं रहे, क्लियर है कि नहीं? अब एक बात बताओ बच्चों, यहां पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैं ओमेगा दूंगा, कितने दूंगा एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दें, क्या दे दें? ओमेगा। यानी ओमेगा से सब लोग घूम रहे हैं, सब लोग कितने से घूम रहे हैं? ओमेगा से। यानी डिस्क भी, ये भी कितने से घूमेगा एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा से। कितने से घूमेगा? ओमेगा से। अब एक बात बताओ, अगर ओमेगा से घूमेगा तो अगर आर डिस्टेंस पे रखा है तो व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन मास एम कितने का होगा? क्या फॉर्मूला बताया कि नहीं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सेंट्रीफ्यूगल कितने का होगा? एम आर ओमेगा। किधर लगेगा? अरे किधर लगेगा? क्या आउटवर्ड लगेगा क्या? तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा आउटवर्ड, समझना ध्यान से।
अगर यहाँ बचाने वाला कोई ना रहे, अगर यहाँ बचाने वाला कोई ना रहे, बचाने वाला कोई, तो क्या ये ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाएगा? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कितने का लग रहा है, एमवी स्क्वायर बाई या एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इधर क्या ब्लॉक और डिस्क के बीच में क्या फ्रिक्शन अवेलेबल होगा? क्या अवेलेबल होगा? फ्रिक्शन। तुमको बोले थे अगर एक मास एम है और एक सरफेस पे रखा है तो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन बिना इसको मूव किए कितना, क्या बोले थे, म्यू एस इंटू कितना एमसी, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको बोलते थे क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या उसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एमसी है? क्या कितनी है म्यू एस इंटू एमसी? तो यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहाँ मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितने का है, म्यू एस इंटू एमसी। अच्छा बताओ इसको यहां से डिस्क को भगाने वाला कौन है? सेंट्रीफ्यूगल। डिस्क से मास को हटाने वाला कौन है? सेंट्रीफ्यूगल। और बचाने वाला सेंट्रीपिटल। जिस सेंट्रीपिटल का रोल कौन प्ले कर रहा है? फ्रिक्शन। कौन प्ले कर रहा है? फ्रिक्शन। तो यहां पर जो फ्रिक्शन, अच्छा बताओ जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल लगेगा क्या तुरंत फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा कि? और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगने लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो यहाँ मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है 50 न्यूटन, कितना न्यूटन 50, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका है केवल 40 न्यूटन, तो क्या ये ब्लॉक बाहर जाएगा? अरे सेंट्रीफ्यूगल कितना है खाली 40 न्यूटन, और आपका फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन बचाने वाला 40 न्यूटन उड़ाने वाला, तो क्या बचाने वाला बड़ा है कि नहीं? तो बचाने वाला बड़ा है तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा क्या? क्या मूव करेगा क्या? कुछ लोग कह रहे जब इधर 50 उधर मूव करवा दो, ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि बचाने वाला उतना ही लगेगा जितना बचाने की जरूरत है। बचाने वाला अगर बचाने वाला ही फोर्स लगाने लगे तब तो ये अंदर चला जाएगा ब्लॉक ना। यहाँ पर जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल 40 का लगा तो फ्रिक्शन भी कितने का लगेगा? 40। अवेलेबल 50 है लेकिन लगेगा कितने का? 40 का, क्योंकि उतना ही लगेगा जितने की जरूरत है। यहाँ पर मान लो अवेलेबल अपने पास फ्रिक्शन है 50 न्यूटन और लगा दिए 45, सेंट्रीफ्यूगल लगा दिए 45, मतलब ओमेगा और बढ़ा दिया, सेंट्रीफ्यूगल बढ़ा कि नहीं, तो लगा दिए क्या 45, तो ये सेंट्रीपिटल यानी फ्रिक्शन फोर्स भी कितने का रहेगा? अगर ये लगा दिए 49 तो सेंट्रीपिटल भी यानी फ्रिक्शन भी कितने का रहेगा? 49। अगर ये लगा दिए 50 तो फ्रिक्शन ओमेगा और बढ़ा दिए, और इधर अच्छा बताओ ओमेगा बढ़ाओगे तो क्या सेंट्रीफ्यूगल बढ़ेगा कि नहीं? ओमेगा और बढ़ा दिए, इधर लगा दिए, इधर हो गया 50, क्या ये भी कितना हो गया? 50। ओमेगा और बढ़ा दिए, इधर हो गया 60, और ये भी कितना? 50। आपकी 60 नहीं होगा, और आपकी 60 नहीं होगा, इसका दिक्कत क्या है? क्या यहाँ स्किडिंग हो जाएगा? स्किड कर जाएगा कि नहीं? यानी ज्यादा से ज्यादा ओमेगा कम हो सकता है जब सेंट्रीफ्यूगल कितना हो? 50। यानी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग? अच्छा पहले ये बताओ मैक्सिमम, पहले बता दो कंडीशन, तो बता मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन, नहीं वो तो एग्जांपल बोले तो 50 कैसे निकलेगा? क्या क्या फॉर्मूला बताया कि नहीं? म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या इस बार एमजी है, म्यू एस इंटू एमजी हो गया, यानी मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है? म्यू एस इंटू एमजी, और सेंट्रीफ्यूगल कितना लग रहा है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। हम चाहते हैं स्लिपिंग ना हो, हम चाहते हैं स्लिपिंग ना हो, तो बताओ बचाने वाला बड़ा होना चाहिए, मारने वाला बड़ा होना चाहिए? बचाने वाला बड़ा होना चाहिए, या बचाने वाला या तो बड़ा हो या इसके जस्ट क्या हो, यानी व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, या नो स्लिपिंग बोलेंगे या नो स्किडिंग, क्या कंडीशन है? क्या इधर बचाने वाला यानी स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा? क्या समझ में आया? मान लो अपना बचाने वाला 50 न्यूटन का है तो सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 50। अगर मान लो सेंट्रीफ्यूगल 60 हो गया और बचाने वाला 50 है तो क्या रुकेगा ब्लॉक, स्किड कर जाएगा कि नहीं? यानी सेंट्रीफ्यूगल हमेशा फ्रिक्शन फोर्स से कम होना चाहिए, और फ्रिक्शन फोर्स अपना ज्यादा होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर बताओ यहां पर FL कितना रख सकते हैं? म्यू एस इंटू एम जी, और इसकी वैल्यू कितनी है? एम आर ओमेगा स्क्वायर।
तो क्या ये कंडीशन ऑफ नो स्लीप? अच्छा, ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये ग्रेटर देन को क्या कर देंगे? इक्वल। अच्छा, मैक्सिमम कब हो सकती है ओमेगा की वैल्यू? पहले बताओ, ओमेगा बहुत धीरे की है तो सेंट्रीफ्यूगल बहुत कम, तो बहुत कम तो छोटा सा फ्रिक्शन लग जाएगा बैलेंस, और तेज की सेंट्रीफ्यूगल बढ़ा क्या फ्रिक्शन भी बढ़ा? क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ा नहीं अपने पास अवेलेबल है। मान लो ओमेगा की इतना सेंट्रीफ्यूगल 10 है तो फ्रिक्शन कितना? 10। ओमेगा और बढ़ा दो सेंट्रीफ्यूगल 20, फ्रिक्शन में कितना लग गया? 20। ओमेगा और बढ़ा दिए सेंट्रीफ्यूगल कितना? 30। सेंट्रीफ्यूगल कितना? 30। और ये फ्रिक्शन में कितना? 30। ओमेगा और बढ़ा दिए सेंट्रीफ्यूगल कितना? 40। फ्रिक्शन में कितना? 40। ओमेगा और बढ़ा दिए सेंट्रीफ्यूगल 49। फ्रिक्शन में कितना? 49। ओमेगा और बढ़ा दिए सेंट्रीफ्यूगल 50। फ्रिक्शन में कितना?